Thank you, sir. Thank you for such kind words. Assalamu alaikum. My name is Jahanzeb, and we will be moving towards our last session now. Obviously, this session is the last, but not the least one. This session is regarding career planning and development. As we all know very well, that for every mission, every mission is useless if it is not planned correctly. Planning is such a path that directs you towards your success. It is my honor to call Mr. Mohammed Itratullah sahab. He is the manager of accreditation and reporting of 360 training. He specializes in e-learning, instructional designing, customer service and service quality, with more than 9 years in FMCGs, banks, airline management training and consultancy. He is also the member of Chartered Institute of Logistics and Transport, UK Pakistan chapter, executive member of Pakistan Society for Quality Management. Please give a warm welcome to Mr. Mohammed Itratullah with a huge round of applause. Mr. Itratullah. Is it working? Assalamu alaikum. Aap logon ko meri awaaz aa rahi hai? Alright, Itratullah mera naam hai. Mera introduction to aapko already waqaf ne de diya hai. Actually, thoda sa time constraint hai. Mera session was for 3 hours. Lekin kyunki time thoda short hai, तो मैं इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करूंगा. बहुत सी बातें यहाँ ऑलरेडी जो मुझे करनी थी वो बहुत सी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं और मुझसे बेहतर अंदाज में. सबसे पहले तो रेहान भाई, मैं सबसे पहले आपके पास आने वाला हूँ रिगार्डिंग आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑन माई. और रेहान साहब की जो इन्होंने बात की है, मैं उससे बहुत अग्री करता हूँ कि फेसबुक में बहुत पावर है. हम इसको भी आगे स्टडी करेंगे. अबाउट मी, आई हैव वर्क फॉर डिफरेंट कंपनीज. आई वर्क फॉर एन अमेरिकन ट्रेनिंग कंपनी 360training.com. And we operate in 7 different countries of the world. I am the head of department here in Pakistan. Isse pehle, I have been associated with a training consultancy firm in UAE, Habib Bank, Union Bank, Pakistan International Airline, MF Foods, and so many companies that I have worked with for 10 years now. These are some of my customers, jinke employees ki maine training karai hai, ya unke training program ko conduct kiya hai. Since I already know कि यहाँ पर एक mixed crowd बैठा हुआ है, तो I want to ask this question. Mixed gathering है यहाँ पर. Just a little rules के cell phones थोड़ा सा time क्योंकि कम है, cell phones avoid करें. आज का जो session है, इसके कुछ learning objectives हैं. हमारी कोशिश ये होगी कि मेरे ख्याल से मैं wind up करने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी. कुछ हमारे learning objectives हैं जो हम चाहते हैं कि ये gathering खत्म होने से पहले आप लोग सीख के जाएं. तो वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जनाब, हाउ टू मेक अ करियर चॉइस, एक करियर डिसीजन लिया कैसे जाता है, एंड देन हाउ टू यूज सम करियर प्लानिंग टूल्स. कुछ टूल्स हैं, कुछ मैनेजमेंट टूल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिनको इस्तेमाल करके आप अपने लिए बेहतर डिसीजन ले सकते हैं करियर से मुताल्लिक. देन इज इट वर्किंग वकास? आई थिंक दिस इज वर्किंग. ओके, लेट मी कम डाउनस्टेयर्स. हाउ टू मेक अ बैकअप प्लान फॉर योर करियर. जरूरी नहीं है जो आपने प्लान किया हो कि मुझे जनाब ये बनना है या ये करना है, उसमें आप फेल हो सकते हैं. बिकॉज देर आर सो मेनी फैक्टर्स देर आर अफेक्टिंग बिजनेसेस. सो हाउ टू हैव अ बैकअप प्लान. वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ टू इवेलुएट द जॉब मार्केट. घर में बैठे बैठे कैसे पता चलेगा कि जॉब किस तरफ है, किस इंडस्ट्री में है, कहाँ पर आप यहाँ से पढ़ के निकलेंगे तो कहाँ आपकी खपत हो सकती है. वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ टू अलाइन योर करियर्स. करियर अलाइनमेंट होती क्या है, इस चीज़ पर हम बात करेंगे. हाउ टू बिल्ड एंड मेंटेन रेफरेंसेस, बहुत जरूरी है. रेहान भाई ने बहुत अच्छी बात की कि लोगों को ऐड करें फेसबुक पे, मिले जुले बात करें, कार्ड बनाए, प्रिंटिंग कार्ड. दिस इज ऑल व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर टू डू टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर और टू बी सक्सेसफुल इन योर करियर. तो हम इसको बात करेंगे कि रेफरेंसेस स्टूडेंट लेवल पे आप लोग कैसे कर सकते हैं. काफी हद तक इस पर बात हो चुकी है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी थोड़ा कवर करूंगा. एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ टू मैनेज करियर गैप. किसी के भी करियर में किसी भी वक्त कोई भी गैप आ सकता है. एजुकेशन में गैप आ सकता है, आपके वर्किंग एक्सपीरियंस में कोई गैप आ सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल, उसको मैनेज कैसे करेंगे. हाउ टू कन्वर्ट दैट गैप इन टू एन अपॉर्चुनिटी. वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ टू ब्रांड योर सेल्फ. जो बात की रेहान भाई ने कि आप फेसबुक पर पिक्चर लगाएं, मैं अपनी अवार्ड वाली पिक्चर हमेशा अपने साथ रखता हूँ. और जब भी मैं किसी प्रेजेंटेशन में जाता हूँ, सबसे पहले मेरी अवार्ड वाली पिक्चर आती है. दैट वॉज एन अवार्ड दैट वॉज गिवन टू मी एज द बेस्ट एम्प्लॉय फॉर 7 कंट्रीज ऑफ 360training.com. वाई आई डू दिस टू ब्रांड माई सेल्फ. ठीक है, वो जो रेहान भाई ने बात की ना पिक्चर लगाए, वो ये वो चीज है.
to brand myself. आप लोग कैसे brand कर सकते हैं अपने आप को, हम इसको बात करेंगे. How to switch jobs? किस तरह जॉब स्विच कैसे की जाती है और किन नॉर्म्स का, किन एटिकेट्स का ख्याल किया जाता है. ठीक है, ये मूवी सबने देखी है. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने इस मूवी से क्या सीखा. जो जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, आई हैव सम इंसेंटिव्स फॉर पार्टिसिपेंट, राइट. क्या सीखा इस मूवी से आपने? नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. हर बंदे में डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी होती है. और जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है उसको वो करना चाहिए. अब बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं, अब मैं एक एक के पास आ नहीं सकता. व्हाट आई डू इज आई थ्रो जिसकी लक है उसको मिल जाए. ऑलराइट, सेकंड मूवी, वी हैव अ सेकंड मूवी. व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस मूवी इज दैट एवरीवन इज स्पेशल. When it comes to you, you are, trust me, very special. All you have to know is your core areas of competency. आपकी अपनी strength है क्या? अगर आपको वो पता चल जाए, trust me, you are very special and you are very different from others. ठीक है? एक और movie है जिसे हम three years सबने देखी है. रेहान भाई ने recommend किया है, जिसने नहीं देखी वो देखे. ठीक है? जिसने नहीं देखी आई थिंक ही इज अ लूजर, जिसने three years सभी तक नहीं देखी. क्या सीखा? मेरा सवाल. Do what you want to do. ठीक है. What I have learned from this movie, is follow your dreams and follow your passion. हम passion पे आगे बात करेंगे कि इसको आखिर केस कैसे किया जाता है passion. कोई मुझे बताएगा कि job में और career में फर्क क्या है? ये वाली audience थोड़ी सी ढीली हुई है. आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा कि job और career में फर्क क्या है? करियर आपका दोनों का जो आंसर है, जो एक्सेलेंट आंसर. जॉब इज समथिंग दैट यू डू टुडे टू अर्न मनी एंड करियर इज अ लॉन्ग टर्म प्रोफेशन बाई चॉइस. विच रिक्वायर विलिंगनेस टू गेट सर्टेन स्किल्स. कुछ आपको ट्रेनिंग उसके लिए हासिल करनी पड़ती है, कुछ एजुकेशन हासिल करनी पड़ती है उस करियर में ग्रो करने. ठीक है, आपका इंसेंटिव मैं थ्रो कर रहा हूँ, जिसकी नसीब में होगा आपको मिल जाएगा. ऑलराइट, नेक्स्ट पैशन. कुछ सक्सेस इंग्रीडियंट है, इंग्रीडियंट फॉर सक्सेसफुल करियर. आप ये इंग्रीडियंट लिख के उसका तावीज बना के अपने गले में पहन लें. जब आप जिंदगी में आज से 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद सक्सेसफुल होंगे तो उस तावीज को निकालिएगा और कहिएगा कि जो बात इस वर्कशॉप में हुई थी वो ट्रू है. ट्रस्ट मी, इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट समथिंग. एक रिसर्च के मुताबिक यू स्पेंड अराउंड, आई मुझे याद सही फिगर याद नहीं है, बट से 95,000 आवर्स दैट यू स्पेंड इन योर लाइफ वर्किंग इन अ प्रोफेशन एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड दैट टाइम in doing something that you do not want to do. So how can you think you will be successful? ठीक है, किसी भी किस्म के करियर को चूज करने के लिए पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में आप सोते जागते उठते बैठते सोचते रहते हैं? पैशन के बारे में एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए. मेरा एक फ्रेंड है, ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट पॉलिटिक्स. ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट इश्यूज, पॉलिटिक्स. वो इतनी ज्यादा बातें करता था कि यूनिवर्सिटी लाइफ में उसको मौका दो गए. वी ऑल पुश्ड हिम टू प्रपोज द गर्ल, क्योंकि कॉलेज खत्म होने वाला था. वो साहब खातून के पास गए और उन्होंने क्या बोला, मेरे दिल की पार्लियामेंट में आपके नाम का बिल पास हो गया. ही वॉज अ लूजर. ट्रस्ट मी, दैट गाय स्टैंडिंग फ्रॉम अ पोजिशन. वो एमएलए की सीट के लिए खड़ा हो रहा है 2013 इलेक्शन में. इन 5 ईयर, सिर्फ 5 साल लगे उसको पॉलिटिक्स का करियर चूज करने, चेज करने. और ये पैशन था उसका कि वो हर वक्त जो करना चाहता था उसी की बातें करता था, उसी के बारे में सोचता था. कौन सी ऐसी चीज है जो आप लोग करना चाहते हैं? राइट इट डाउन, राइट इट डाउन टूडे. काफी हद तक इस पर बात हो चुकी है तो मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा. करेज, कुछ भी काम करते हैं. आपका तंगी साहब यहाँ मौजूद है, इन्होंने कहा कि जब आप किसी को कहते हैं कि मुझे ये करना है, लोग ओ थल्ले बैठ भाई क्या हो गया, राइट? इट हैपेंस, ट्रस्ट मी.
ट्रस्ट में इट हैपेंस। आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो आपका ड्रीम हो, आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो शायद आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकेंगे। तो यू नीड टू हैव करेज टू फेस दैट। मैं आई वर्क फॉर एन अमेरिकन कंपनी, मेरी सैटरडे संडे छुट्टी होती है और सैटरडे को आई मेक श्योर कि मैं हर सैटरडे कोई ना कोई वर्कशॉप कर रहा हूँ। इधर इट्स फॉर फ्री और इधर इट इज पेड, इधर इट इज कॉर्पोरेट, इधर इट इज यूथ, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू ट्रेनिंग। मेरे घर में झगड़ा होता है, मेरी वाइफ है, माशाल्लाह मेरा एक छोटी बेटी है 8 महीने की, मेरी वाइफ कहती आप तो मुझे 5 आवर्स भी नहीं लेके गए सैटरडे, राइट। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको फेस करने की करेज। मेरा पूरा सैटरडे सुबह 8 बजे से लेकर रात के शाम के 5-6 बज चुके हैं गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है मेरी वाइफ भी बेलना लेके घर पे बैठी होगी। तो अब इस तरह की चीजों को फेस करने के लिए यू नीड टू हैव करेज। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, लेकिन और भी बहुत से अप्स एंड डाउन आते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको फेस करने के लिए करेज चाहिए। कॉन्फिडेंस, कोई ऐसी चीज, किसी ने कहा प्लानिंग के मैं बहुत अच्छा हूँ, किसी ने कहा मैं डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छा हूँ, कोई ऐसी चीज जिसमें आप अच्छे हैं, दैट कैन हेल्प यू चूजिंग अ करियर। कॉन्फिडेंस, किस चीज में कॉन्फिडेंसी है आपकी, कोर एरिया ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। हमारे कुछ टूल्स हैं जिनको डिटेल में स्टडी करेंगे। हैप्पीनेस, फन एंड सेटिस्फैक्शन। आई स्टार्टेड माई ट्रेनिंग करियर 9 years ago और मैं सिर्फ ट्रेनर को कहता था मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपके साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग कराना, मुझे ये काम करना सीखना है। मैंने लोगों के साथ फ्री काम करना शुरू किया, करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह है 9 years of training कर लिया था। तो दिस व्हाट हैपेंड, मुझे इसमें खुशी महसूस होती है, मुझे मजा आता है ये चीज करने में, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है। ये सक्सेस इंग्रेडिएंट्स है, इसको लिख के अपने गले में ताबीज बना के पहन लीजिए, जिंदगी में आपके ये चीज काम आएगी। सक्सेस मॉडल, सिटीजन फाउंडेशन का एक प्रोग्राम है, रहबर प्रोग्राम। उसमें होता यह है कि अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के साथ आप जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। उस टाइम में वो लोग उनकी मेंटोरिंग और काउंसलिंग करते हैं। जब आप उनके प्रोग्राम में वॉलंटियर करते हो तो आपको एक सक्सेस मॉडल दिखाते हैं। ये उसी मॉडल का कुछ थोड़ा सा अखज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सक्सेस होती कहाँ से, सबसे पहले शऊर। आपको पता हो कि जनाब एक बैंकर की जॉब क्या है, आपको पता हो कि एक ट्रेनर की जॉब क्या है, आपको पता हो कि एक मासी का क्या काम है, जैसे रेहान भाई ने कहा लोगों को ऐड करें, पूछें उनसे, उनकी जॉब के बारे में बात करें, उनके बिजनेसेस के बारे में बात करें, तो शऊर आएगा। एक और बात, ये मॉडल मैंने जब बना लिया सिटीजन फाउंडेशन का एक्सट्रैक्ट करके, एक साहब आप लोग शायद जानते हो उनको, आबिद बेला साहब। आबिद बेला ने अपने फेसबुक पर स्टेटस डाला और ये उन्होंने कहा कि ये हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ये जो शऊर से तकदीर तक का मॉडल है, ये हदीस में मैंने उसे रेफरेंस मांगा, मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं यहाँ रेफरेंस कोट नहीं कर सकता, बट सक्सेस मॉडल गिवन टू यू बाय योर प्रॉफिट। शऊर लीड्स टू सोच। किसी भी चीज के बारे में आपको अवेयरनेस मिलती है ना, तो उस बारे में आप सोचना शुरू करते हैं, थॉट प्रोसेस स्टार्ट होता है। सोच लीड्स टू विजन। जब आप सोचेंगे तो ही आपको वो चीज नजर आएगी जो अनसीन है, दैट यू कैन नॉट सी। विजन होता है तो कुछ हरकत भी होती है, कुछ एक्शन होती है, यू गो टुवर्ड डूइंग समथिंग। आप करना शुरू करते हैं जो काम आप करना चाह रहे हैं।